झंडा तकड़ा होके हरियाणा में गड़ेगा, विधानसभा में झंडा लहराएगा हमारी आम आदमी पार्टी का, भारत देश का झंडा लहराएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलजीत रंधावा ने यह दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी और विधानसभा पर आपका झंडा लहराएगा। आपको बता दें कि पंजाब के डेराबसी हलके से विधायक कुलजीत रंधावा पंचकुला पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने ये बड़ा दावा किया था। झंडा तकड़ा होके हरियाणा में गड़ेगा, विधानसभा में झंडा लहराएगा हमारी आम आदमी पार्टी का, भारत देश का झंडा लहराएगा। और इसके अंदर सबसे बड़ी शमूलियत मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जैसे इतने इतने बड़े धरोवर बोले जाते थे, जो राजनीति के गुरु लोग थे, यहाँ पे डेराबसी हल्के में आप लोगों ने पछाड़ के फेंक दिए। यहाँ से जो हल्के के आपके MLA होंगे, जिनको मेरी पार्टी टिकट देगी, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, पार्टी सुप्रीमो है, ये फैसले केजरीवाल जी ने लेने हैं, मेरे फैसले नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब जिसका हाथ मुझे थमाएंगे, पंचकुला से, यमुनानगर से, ये सारी जगह से हम जिता के विधानसभा भेजेंगे। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सब, मेरे जो फोर्थ पिलर मीडिया का है, आप लोगों के हाथ में भारत की राजनीति को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। हमारे काम को फिर दिखाइए, हम नहीं चाहते कि हमारी चीज को बढ़ा के दिखाइए। जब आप बढ़ा के दिखाएंगे तो हम भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हमारी एग्जैक्ट पोजीशन सारे भारत की जगह, सारे हरियाणा में दिखाइए। मैं चाहता हूं कि आज इस टीम ने जो ये कैलेंडर पिछले साल भी बांटा था, और मैं तो इस टीम का धन्यवाद करता हूं कि ये टीम, हमें तो पता नहीं था इतनी तकड़ी होकर लड़ाई लड़ेगी, हमें तो कैलेंडर का कभी देखा नहीं था भी कैलेंडर भी बांटे जाते हैं। और मेरे हल्के से ये देखो, आपके साथ ही बाजू में बैठा हूँ, लोगों ने 75,000 वोट मेरे को डाल दिया। इतने बड़े बड़े अमीर आदमी, डिप्टी CM के कैंडिडेट, पतीला रगड़ दिया, मांज दिया, रगड़ दिया। और दूसरी तरफ महाणी का बेटा, कैप्टन साहब का बेटा, वो 5-7 बार हार गए, मैं नाम भी भूल जाता हूँ। हरियाणा आज के लिए, पंचकुला से सुरेंद्र की रिपोर्ट।